नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। वैशाली के महुआ विधानसभा क्षेत्र में अंसारी समाज को सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर अंसारी महापंचायत के बैनर तले एक संकल्प सभा का आयोजन किया गया। देखिए, महुआ विधानसभा क्षेत्र के अंसारी समाज को सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर अंसारी महापंचायत के बैनर तले संकल्प सभा का आयोजन वी सेलिब्रेशन मैरिज हॉल में किया गया, जिसकी अध्यक्षता अब्दुल्ला अंसारी और संचालन एजाज आदिल, व्यवस्थापक हाजी बबलू, आस मोहम्मद अरशद सहजाद ने किया, जिसमें अंसारी महापंचायत के संयोजक व मुख्य अतिथि ने संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में मोमिन अंसारी समाज की आबादी 11/2 है, लेकिन आबादी के बावजूद सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलती। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि 243 विधानसभा की सीट पर एक भी अंसारी समाज से विधायक नहीं है। 75 MLC का सीट है बिहार में, एक भी हमारे समाज से MLC नहीं है। 40 लोकसभा का संसद भी चुने गए, उसमें भी हमारे समाज से एक भी नहीं है। और 16 राज्यसभा के भी मेंबर हैं बिहार से, उसमें भी अंसारी समाज से एक नहीं है। चारों सदन में अंसारी समाज 0 पर 8 है, उसके बावजूद कोई पॉलिटिकल पार्टी इस समाज को तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए पिछले 1.5 साल से लगातार पूरे बिहार का दौरा कर करके हम लोगों ने अपने समाज को जगाया है। जिस M/2 समीकरण की लालू यादव जी बात करते हैं, वो भूल जाते हैं कि इस M/2 समीकरण में 11% की आबादी अंसारी समाज का है। अगर ये सो गया, ये अगर बूथ पे नहीं पहुंचा, तो जीतने का सपना भी नहीं देख सकते। हम लोग पॉलिटिकल पार्टियों से मुलाकात करके, केसी प्रसाद यादव जी से मुलाकात करके हम लोगों ने अपनी बात को रख दिया है कि इस बार अगर हमारे समाज को उचित भागीदारी नहीं देंगे तो बिहार में 42 विधानसभा ऐसा है जहां अंसारी की आबादी 25,000 से लेकर 70,000 तक है। अब ऐसे सारे जगहों पर जो हमारा बहुल क्षेत्र है, वहां पर हम अपना उम्मीदवार खड़ा करने का काम करेंगे। अभी बिहार में 2 लाइन है, क्या लग रहा है दोनों में से अगर अंसारी समाज को कोई भी सीट देगा? हम लोग तैयार हैं, NDA के लिए भी तैयार हैं। माननीय नीतीश कुमार जी भी चाहते हैं हमारे समाज के साथ न्याय करना, हम लोग उनके साथ भी जाने के लिए तैयार हैं। हम लोगों ने तेजस्वी यादव जी से भी बात किया है, हम उनके साथ भी जाने के तैयार हैं। हमारा एक ही अंसारी महापंचायत बिहार का उद्देश्य है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे समाज को उचित भागीदारी देगा, इस पर हमारा समाज उन्हीं को वोट देने का काम करेगा। अंसारी समाज बहुत दिनों से सीख रहा है राज्य को, शक्ति को, आर्थिक को, तो महापंचायत को अभी चुनाव के समय ही बनाए या उसके उत्थान के लिए पार्टी कोई काम कर रहा है? महापंचायत पिछले 1.5 साल से काम कर रहा है, और महापंचायत सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में काम नहीं कर रहा है। अंसारी महापंचायत बिहार का जो उद्देश्य है, अपने समाज को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, और लाने के बाद उसके शिक्षा के क्षेत्र में कैसे विकास हो, उनके आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार हो, उनके समाज में कैसे हिस्सेदारी मिले, उनको राजनीति में कैसे हिस्सेदारी मिले, सभी पहलुओं पर महापंचायत काम कर रहा है। इससे पहले 1 जुलाई को बाबा अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब की जयंती के मौके पर अंसारी महापंचायत बिहार ने अब्दुल कय्यूम अंसारी मेमोरियल कॉलेज की लॉन्चिंग की है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। आज जो महुआ में हम लोग संकल्प सभा करा रहे हैं, संकल्प सभा के माध्यम से पूरे बिहार में मैसेज दे रहे हैं कि हमारा समाज जागरूक हो चुका है, हमारा समाज संकल्प ले रहा है कि इस बार जो महापंचायत कहेगा वही वोट करेंगे। इसके बावजूद अगर हमारे समाज को तवज्जो नहीं दिया जाएगा तो हम सारे अंसारी बहुमूल्य क्षेत्र पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे, और मेरा समाज अपने बेटा को वोट देने का काम करेगा, हम किसी दूसरे को वोट देने वाले लोग नहीं। वसीम नैयर अंसारी, संयोजक अंसारी महापंचायत बिहार। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और देखते रहे HBN न्यूज।